मारूफ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सत्र आसमा जहांगीर 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। कई अहम मुकदमे लड़े, सोगवारान में एक बेटा और दो बेटियां छोड़ी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम शाहिद खाका नवासी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चौधरी शुजात, परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। अदाकारी का एक रोशन बाब बंद, मारूफ फनकार काजी वाजिद इंतकाल कर गए। काजी वाजिद ने कई ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। गिरां कदर खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सुप्रीम कोर्ट का जाति उम्रा, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, ऐवान अदल, आईजी ऑफिस, मॉडल टाउन समेत लाहौर भर में रुकावटें हटाने का हुक्म। पंजाब में पुलिस मुकाबलों का भी अज खुद नोटिस, एक बरस में होने वाले मुकाबलों की तफसीलात। वजीर आला पंजाब सुप्रीम कोर्ट में पेश, आपके इकदामात से मुतमाइन नहीं, इसीलिए बुलाया। क्या हम ठीक कर रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आप ठीक कर रहे हैं, कुछ बोला तो हुक्मदोली होगी, शहबाज शरीफ का जवाब। पीएसएल के कराची में फाइनल की तैयारियां जारी, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई। गैर मुल्की माहिर और सूबाई वजीर दाखला मुतमाइन, खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम ले जाने के लिए रिहर्सल की गई। पीएसएल 3 के आगाज में 10 दिन रह गए बाकी, मुल्तान सुल्तान्स का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी मुल्तान सुल्तान्स के मद्दाह निकले। और कराची में सालाना लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज कुतुबीनी और अदब से मोहब्बत करने वालों का रश, शाम को महफिल मौसिकी भी होगी। ट्वेंटी फोर न्यूज़ बाखबर।